मोटिव ये है कि लोग जाने कि विद्यालय में हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में उनका भी इधर वोट नहीं किए हैं, बराबर खड़े हुए हैं, उनको बोलिए पहले वोट जाके कि हमारे गांव के बच्चों का भविष्य जिसमें उज्जवल हो न कि अंधकार में जाए, इसलिए हम इस मुहिम को जारी किए हैं। SMC है क्या सर, बताएं थोड़ा हमारे दर्शकों को। SMC का गठन सरकार इसलिए की है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह आज हम सभी ग्राम सभा बीरमपुर में, जो कि प्राथमिक विद्यालय बीरमपुर पे है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पीछे भीड़ है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर SMC का यहाँ पर चुनाव हो रहा है, विद्यालय प्रबंधक समिति, जो कि आने वाले समय में बच्चों की जो देखभाल होता है यहाँ का, जो भी देख रेख होता है, और यहाँ पर एक अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और विद्यालय में जो भी आप यहाँ पर कार्य कराया जाता है इनके देख रेख में होता है, तो इसी का चुनाव हो रहा है। और यहाँ पर पहली बार बता रहे हैं, यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर भी पहली बार इस तरह का चुनाव हो रहा है, जो कि यहाँ पर 4 उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो कि इसमें से अभी एक बैठे हैं, तो 3 उम्मीदवार यहां पर मौके पर मौजूद हैं, प्रयागराज हैं और 2 लोग और हैं जिनका नाम कंफर्म नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहां पर पूरी भीड़ लगी हुई है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं, और यहां पर सभी प्रधानाध्यापक और सभी लोग मौजूद हैं, जो कि अगर 3 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए हैं तो यहां पर 3 उम्मीदवारों के लिए अभी चुनाव होगा। तो इसी सिलसिले में हम भी यहां पर आए हुए, तो एक नई क्रांति का जो कहें तो कभी पहली बार ये सब चीज़ें हो रहा है यहाँ पर। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आए हैं तो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं जो कि अध्यक्ष पद के लिए ये भी उम्मीदवार हैं, एक हैं प्रयागराज जी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं, तो इनसे सभी रूबरू है, उनका कोई पहचान कराने की जरूरत नहीं है, तो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये विद्यालय प्रबंधक समिति का गठन किया जा रहा है SMC का, तो मैं क्योंकि यहाँ अभिभावक इसमें स्कूल में बच्चे भेजते हैं तो उनका देख रेख करके किस तरीके से अध्यापक यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसलिए SMC का गठन हुआ है। तो हमें अध्यक्ष यदि बनते हैं तो यहाँ आकर देख रेख करेंगे कि विद्यालय में कौन सा टीचर सही टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चे को पढ़ा रहा है कि बैठा है, या उनको मतलब जैसे कि इसका एक मकसद यह होता है कि विद्यालय में हर एक महीने टेस्ट लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ विद्यालय में लिया जाता है टेस्ट कि नहीं लिया जाता, कौन सा बच्चा किस विषय में कमज़ोर है, कि कौन से विषय में सही है, इस चीज़ का नॉलेज रखने के लिए मैं अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़ा हूँ, जिससे कि तो अभी चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है, चुनाव भी पढ़ना बाकी है। तो मैं भी आप लोगों को बता दूं कि हमेशा सरकारी स्कूलों पर एक सवाल उठता आया है और लोग उठाते रहते हैं, क्योंकि एक सरकारी टीचर का जो सरकारी वेतन है वो 50,000 से 60,000 तक रहता है, और सरकारी विद्यालय में पढ़ाई किस प्रकार से होती है, सभी इस पर सवाल और चिन्हित किया जाता है, एक सरकारी विद्यालय है। तो यहाँ पर भविष्य में भी बता रहे हैं कि पहले जो बीत गया है उसमें और आगे वाले समय में पहली बार फर्स्ट टाइम इस तरह से यहाँ पर चुनाव हो रहा है SMC का, विद्यालय प्रबंधक समिति का। तो इसी विषय में इन्होंने हमें सूचित किया, तो मैं इनके साथ में आज जुड़ा हूँ। तो अभी चुनाव का रिजल्ट बाकी है, तो दोस्तों कुछ समय बाद मैं यहाँ का रिजल्ट भी बताऊँगा और लोगों से फिर से आपसे बात कराऊँगा। तब तक के लिए अभी चुनाव का वोटिंग है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे सब लोग जुड़ चुके हैं और यहाँ पर विद्यालय के सभी लोग मौजूद। अरे चला वोट दे ही रहा, काहे नहीं देही, मैं भीड़ लगी वहां, तब से लाइन पे लाइन खत्म हो गया, लाइन पे लाइन खत्म हो गया, जाओ नाम लगाओ, लाइन पे लाइन जाओ, जाओ जाए घास पास छोड़ो यहां पर की काटा खोल कर ही इस विद्यालय में, तो जिसमें से 28 वोट इनका है जो कि अध्यक्ष ये बनाए गए हैं इस समय, तो इनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और मैं इनका शुभ नाम जाना, अपना नाम बताइए। शुभ नाम मेरा श्री राज नारायण बिंद, प्रणाम लाल बहादुर। राज नारायण बिंद जो कि यहाँ के विद्यालय प्रबंधक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इनको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से मैं यहाँ के सभी लोगों को जो इनको वोटिंग करके यहाँ का अध्यक्ष बनाए, तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ पे ग्रामवासियों का, प्रधान का और प्रधानाध्यापक गुरुजनों का,
सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इससे पहले बता रहे हैं यहाँ के लोग, इससे पहले कभी भी यहाँ पर जो समिति जो बनाई गई इससे पहले वोटिंग नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम यहाँ पर वोटिंग किया गया। तो उस वोटिंग में हमारे साथ राज नारायण बिंद जी हैं जो कि अध्यक्ष बनाएंगे, तो इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि अभी 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 मैं आप सभी को जो अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं राज नारायण बिंद जी, और उसमें जो सेकेंड हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज बिंद जी, तो इनको उपाध्यक्ष का पद मिला है। तो मैं आने वाले समय में जो बच्चों का भविष्य है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, आप उपाध्यक्ष यहाँ से बनाए गए हैं तो अपना नाम बताएं और यहाँ के जो सुविधाएं मुहैया बच्चों के लिए की जाती है तो आप आगे क्या बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे यहाँ पर? मेरा इस समिति में आने का मेन मकसद यह है कि कोई भी कार्य सरकार यदि लागू करती है तो वह कागज पे ना हो, वह जमीन स्तर से हो और उसको अच्छी तरीके से कराएं। अध्यक्ष यदि कोई टूटी करता है तो मैं उस पर टिप्पणी करूँगा, प्रधानाध्यापक यदि कुछ करते हैं हमारे समझ में यदि गलत आता है उस पर मैं टिप्पणी जरूर करूँगा, क्योंकि मैं विपक्ष में कोई गलत कार्य होता रहेगा उस पर मैं हमेशा टिप्पणी करता रहूँगा, जिससे कि बच्चों के भविष्य में कोई इसका दुर्व्यवहार न पड़े। और लड़के बढ़िया से आप पढ़ चुके और जिसमें यहाँ से जाएँ तो यह ना हो कि इस विद्यालय में किसी चीज़ की हमको दिक्कत हुई है। बस मैं इसके साथ अपने बाड़ी को बुझा लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इनसे मेन उद्देश्य इनका जो बताएं आप सभी को, मेन उद्देश्य इनका ये है कि जो 75 सालों से जो विद्यालय सरकारी विद्यालयों में बनाया गया, जो संविधान में इस विद्यालय प्रबंधक समिति का जो निर्वाचित चुनाव किया जाता है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इससे पहले क्या आज भी कभी भी किसी विद्यालय में इस तरह से वोटिंग करा के नहीं किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी लोग चाहते हैं अपने तरीके से प्रधानाध्यापक प्रधान मिलकर अपने तरीके से अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभी एसएमसी में जो भी लोग रहते हैं वो अपने तरीके से चुन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम इनका मेन एक चुनाव होता है, उस चुनाव में हमारे ही परिजन हमारे ही परिवार के माता पिता रखे जाते हैं ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो निर्धारित रहे और सही ढंग से यहाँ पर जो टीचर आए वो सही टाइम पे आए, सही जो रूटीन है बच्चों का जो सब्जेक्ट है वो सही से पढ़ाया जाए। मेन उद्देश्य और मेन मोटिव है कि यहाँ के लोगों को ये बताना है कि इसका भी एक चुनाव होता है। इससे पहले अभी बता रहे हैं कि कोई 10 साल कोई 5 साल रहा लेकिन कभी भी चुनाव नहीं हुआ। ऐसे ही अपने ही लोग आके सिर्फ मिलके इसी तरह से प्रकार से अपने तरीके से लोगों को रख देते थे। तो इस बार इनका मेन मोटिव यही रहेगा कि यही है कि यहाँ पर जो चुनाव हुआ है ये लोगों को जानकारियाँ रहे कि ये चुनाव विद्यालय में हर साल होते हैं या फिर जो भी शासन से आदेश आता है तो उसमें इसी तरह से चुनाव किया जाता है। हर जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और उनके जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते उनके माता पिता का अधिकार है कि यहाँ विद्यालय प्रबंधक समिति में वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष या फिर सदस्य के पद पर रहें। इसी के साथ मैं श्रवण कुमार, धन्यवाद।